हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई सल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज एट पॉइंट वन फॉर क्लास टेन क्वेश्चन इज गिवेन स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर ये जो पांच क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों इसको जस्टिफाई करना है सो पहला क्वेश्चन क्या है वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन सपोज ये ट्रैंगल है ए बी सी सी पर राइट एंगल है तो इसका एंगल ए के एगेंस्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया बेस ये हो गया राइट अपोजिट ऑफ द गिवेन एंगिल इज परपेंडिकुलर एंड द एंग ऑन द साइड ऑन विच एंगल इज बेस्ट और एडजस्टेंट टू दी एंग गिवेन एंगल इज बेस्ट सो सी ए क्या हो गया बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया यह हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है अब टेन ए इक्वल टू इसमें क्या हो गया पी बाई बी पी है इसका बी सी बी है सी ए अगर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कहीं भी रूल ये नहीं है कि ट्रेंगिल का राइट एंगल ट्रेंगल का हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होता है लेकिन परपेंडिकुलर किसी में बड़ा हो सकता है किसी में बेस बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस बड़ा भी हो सकता है दोनों बराबर भी हो सकता है ये कोई कंडीशन नहीं कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा या दोनों बराबर होगा तीनों कंडीशन हो सकता है परपेंडिकुलर भी बेस से बड़ा हो सकता है बेस भी परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो सकता है ये हो सकता है लेकिन हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट होगा अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर मान लीजिए परपेंडिकुलर फोर है ये फाइव है हाइपोटेनियस थ्री है आपका बेस ठीक है तो पी हो गया फोर बी हो गया थ्री एच हो गया फाइव सपोज वन एग्जाम्पल दैन टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई बी फोर बाई थ्री इज ग्रेटर देन वन ये वन से ज़्यादा हो गया तो हो सकता है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही नहीं है बट टेन से छोटा भी हो सकता है वन से छोटा भी हो सकता है वन से बड़ा भी हो सकता है वन अगर ये चार है ये चार है तो क्या हो जाएगा पी बाई बी चार बाई चार एक हो जाएगा लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा एक से छोटा ही होगा एक से बड़ा भी हो सकता है इसलिए क्या लिखेंगे इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स इन केस इफ पी इज ग्रेटर देन बी

एच बाई बी कौशेक इज टू एच बाई बी अब हम जानते हैं और ये हमारा क्या दिया हुआ है बारह बाई पाँच तो कौशिक क्या है एच क्या है लार्जेस्ट साइड है ये बी से बड़ा है हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है सो so, इसलिए क्या हो गया ये ट्रू ये क्या हो गया ट्रू सो इफ सो द पॉसिबिलिटी ऑफ सेक एज बारह बाई फाइव इज श्योर राइट क्यों एच बड़ा है तो एच यहाँ बड़ा है बी छोटा होना चाहिए एच से तो बी छोटा है तो किसी न किसी एंगल के लिए ये शेक ट्वेल्व बाई फाइव हो सकता है आंसर थ्री क्या है कॉस इज एव्रिवियेसन ऑफ यूज फॉर दॉस एक्सटैंड ऑफ एंगल ए तो ये क्या है फॉल्स है ये क्या है फॉल्स है दूसरा क्या हो गया ट्रू हो गया पहला क्या हो गया फॉल्स हो गया ट्रू है तीसरा क्या है फॉल्स है क्यों फॉल्स है ये जो है एब्रीवियसन एवरीवियसन कॉस ए इज़ यूज फॉर कॉसाइन ए नॉट फॉर कॉसेक्टैंट ए एब्रीविएशन ऑफ ए इज़ एज ए. राइट एब्रीविएशन फॉर द कॉशेक्ट ए इज कॉसेकें नाइन क्वेश्चन आंसर फोर आंसर फोर क्वेश्चन इज कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए दिस इज फॉल्स व्हाई कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ट एंड एज कॉन कॉन्स्टेन्जेंट ऑफ कॉट मींस कॉट हेज बीन मेजर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल ए विदाउट एंगिल ए कॉट इज मीनिंगस अगर एंगिल ही मालूम नहीं होगा किसके रेस्पेक्ट में कोट को नापना है तो उसका वैल्यू हमारा सही नहीं निकलेगा इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है ये इसका कॉन्सनजेंट है मीन्स एंगल जिसके आधार पर हम कोट का वैल्यू निकालते हैं आंसर फाइव ये फॉल्स हो गया अब है साइन थीटा ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर है फॉल्स क्यों साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच और एंड एच इज़ दार्जेस्ट लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रैंगल ये हम जानते हैं एच क्या है लार्जेस्ट साइड है साइन होता है पी बाई एच और यहाँ दिया हुआ है कितना फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री by the by question p is greater than h which is impossible which is impossible so sine theta cannot be फोर बाई थ्री थ्री बाई फोर हो सकता है इसलिए कि पी तीन हो सकता है और एच फोर हो सकता है लेकिन हाइपोटेनियस बड़ा हो जाए हाइपोटेनियस छोटा हो जाए परपेंडिकुलर से ये कभी नहीं होगा इस क्वेश्चन में क्या साइन थीटाइजकल टू पी बाई एच ये होता है इसका फॉर्मूला पी हो गया फोर एच हो गया थ्री तो इसमें हमने क्या देखा कि एच जो है हाइपोटेनियस छोटा हो गया और परपेंडिकुलर बड़ा हो गया ये ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड है और पी लार्जेस्ट नहीं होता है इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है इसलिए ये हो सकता है कि पी बाई एच इज्कल टू थ्री बाई फोर पॉसिबल है बट फोर बाई थ्री पॉसिबल नहीं है दिस इज योर आंसर थैंक्स इफ यू लाइक प्लीज लाइक माय सेशन एंड सब्सक्राइब इट आल्सो थैंक्स